हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ कि जो मुझे SFM में 87 मार्क्स आए थे उसका क्या सीक्रेट था और क्या रीजन था और ऐसी क्या चीजें मैंने की, तो आप भी थोड़ा बहुत उसमें से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कॉपी तो मैं नहीं करूंगा पर कहूंगा बट आप सीख सकते हो, जिससे आप भी अपने SFM में स्कोर जो है उसको एब्सोल्युटली इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये समझो सर, आपका जो SFM होता है वो ग्रुप वन का ब्रेकर या मेकर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट और लॉ का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी डिफिकल्ट आ जाए, कभी भी इजी आ जाए। जैसे कि इस बार उन्होंने नवंबर 22 के एग्जाम में क्या किया, उन्होंने पेपर बहुत इजी दे दिया, डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन। तो इजी देने के बावजूद भी उन्होंने उसमें मार्क्स नहीं बांटे, मार्क्स में उन्होंने बहुत कंजूसी की। तो सर, ऑडिट और लॉ में ये चीजें बहुत की जा सकती है, पर SFM में अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलने हैं, नहीं है तो नहीं मिलने हैं। इसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है बट ब्रॉडली हमको ये समझना है कि SFM में अगर आप चाहो तो आप इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो कि अगर आपने पूरी ढंग से मेहनत कर ली तो पेपर डिफिकल्ट आने पे भी आप एग्जामिनेशन ला सकते हो, और उसी पेपर में अगर पेपर इजी आ जाए तो आप 75-80+ भी स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि होता है, करते हैं बहुत सारे लोग और आराम से होता है, बस कुछ तरीका है सर, क्रोनोलॉजी। आप सिर्फ क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो SFM का स्कोर है उसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर को जाता है जिससे मैंने SFM की क्लासेस ली थी। अगर वो ना होते तो कोई चांस नहीं है कि मेरे SFM में 87 मार्क्स आ पाते। क्यों? क्योंकि सर मैंने उनकी क्लासेस ली थी, पूरी क्लासेस लेकर के मैंने पढ़ाई कर ली उनकी क्लासेस लेकर के। उसके बाद हमने पहले घर जाकर के मैंने पहला रिवीजन किया, पूरा पूरा चीजें मैंने एक एक करके समझा, वो पूरा मेरा SFM पढ़ के खत्म हो गया था बहुत जल्दी। उसके बाद जब मैंने SFM का सेकेंड रिविजन शुरू किया, जब मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो गए, तो मेरे को एकाधा आंसर में ना कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा। मैंने देखा यार ये आंसर ना लॉजिकली सही नहीं लग रहा है, तो एक दो आंसर में हुआ। फिर तीसरे आंसर में मैंने बोला चलो इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा करके देखते हैं, और जब मैंने वहां पे देखा तो मुझे पता चला इंस्टीट्यूट का आंसर और हमारे सर का आंसर जो है वो मैच नहीं करा। फिर मैंने बोला एक दो चीजें और चेक कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें चेक की और मेरे को पता चला कि 30 से 35% सोल्यूशन जो सर ने करवा रखे थे क्लास में वो सारे गलत थे। गलत थे कि नहीं थे वो मेरे को नहीं पता, पर वो इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच नहीं करता था, एंड आंसर, प्रोसेस कुछ भी मैच नहीं करता था। तो उसमें हमको तो उस समय ये क्लैरिटी तो थी कि इंस्टीट्यूट का आंसर फाइनल आंसर होता है और आप जितने आसानी से वो आंसर लिख लो उतना आप खुश रहोगे। तो मुझे ये समझ आ गया कि बेड़ा गर्क हो गया है, बहुत तकलीफ हो गई है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं गिव अप कर दूं या फिर मेरे पास टाइम था 3 साढ़े 3 महीने का। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, SFM को फिर से शुरू करते हैं। आप मानोगे नहीं, पूरा फर्स्ट रिविजन खत्म होने के बाद, सेकेंड रिविजन का आधा खत्म होने के बाद मैंने मेरा पूरा एग्जिस्टिंग मटीरियल साइड में रखा, मैंने ICI का मॉड्यूल उठाया, उस समय पुराना कोर्स का ICI का प्रैक्टिस हुआ करता था वो उठाया और हर एक क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व किया, पूरा SFM का नया नोट्स बनाया। मतलब SFM में मेरे को जितनी नॉर्मल मेहनत लगती, जो मेरा नॉर्मल टारगेट था 5 या 6 दिन का, उसके जगह मेरे को 12 से 13 दिन लगे SFM करने में, और उसी प्रोसेस में मैंने इतनी मेहनत कर ली SFM में कि SFM मेरे लिए रिलेटिवली थोड़ा इजी हो गया था एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने मेहनत की थी। अब मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं इससे पहले कि तुम परेशान हो जाओ, वो टीचर आज के डेट में SFM नहीं पढ़ाते हैं, उन्होंने उसके 2 या 2.5 साल बाद ही अपने टीचिंग करियर को खत्म कर दिया बस। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्लीज कमेंट सेक्शन पे नाम किसी भी फैकल्टी का स्पेक्युलेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है, अब मेरा काम था आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना, वो मैं आपको बताया बस। आगे का ये सब कहानी से हमारा क्या रिलेवेंस है सर? कोई नहीं, हमको मुद्दे की बात बताओ, हम क्या करें जिससे हमको 87 आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको SFM में बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको एग्जाम के पहले वाला जो 1.5 दिन होता है उसमें बहुत सॉलिड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब आप इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन उस दिन सॉल्व कर रहे हो कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे कॉन्सेप्ट संभाल लोगे। तो सर उसके लिए एक ही तरीका है, अगर एग्जाम के 1.5 दिन पहले आपका सही क्वेश्चन आपको अटैक करना है ना, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। मैं मान के चलता हूं अभी आप SFM आज के बाद 2 बार पढ़ने वाले हो, चाहे 2 रिवीजन के फॉर्म में हो सकता है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास टोटल 1000 क्वेश्चन है तो उसको मैं कैसे 200-250 क्वेश्चन के लिस्ट में क्रक्स में निकालूं कि मैं एग्जाम के पहले सिर्फ वो 200-250 क्वेश्चन पूरे पूरे बना लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब सर क्वेश्चन कैसे शॉर्टलिस्ट करना है उसका मैं पूरा आपको तरीका बताऊंगा, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। अब सर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करता था जो मैं आपको मैं बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करता था सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं जो SFM में, मान लो अगर चैप्टर है डेरिवेटिव्स का, ठीक है, डेरिवेटिव्स जब मैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो मेरा कोई नोट्स है जहां पे मेरे को
कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, उसके बाद कोई आईसीआई मॉड्यूल है जहां पे मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, उसके बाद शायद आईसीआई के स्टडी मटेरियल का मेरे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, फिर शायद प्रैक्टिस मैनुअल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, फिर शायद वो फैकल्टी के बुक का भी कोई क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना होगा। तो मैंने क्या किया था पता है, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था सर। फ्लो चार्ट इन द सेंस क्या, मैंने एक पेज निकाला, मैंने उसमें हेडिंग डाला डेरिवेटिव, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी पेज 1.7 ऑफ मॉड्यूल हाइलाइटेड पोर्शन, उसमें मेरा हाइलाइट करके रखा हुआ था। फिर मैं लिखता सॉल्व क्वेश्चन 1 और 2 ऑफ स्टडी मैट, लिखता वाउच क्वेश्चन 3 ऑफ स्टडी मैट। सॉल्व और वाउच में फर्क कैसे, सॉल्व मतलब खुद से सॉल्व करो, वाउच मतलब ऊपर ऊपर से देख लो क्वेश्चन और आंसर। इस तरीके से मैं पूरा फ्लो बनाता था सर, वो फ्लो जिसमें मेरा ना पहले कॉन्सेप्ट होता था, फिर रेलेवेंट क्वेश्चन होता था, फिर आगे बढ़ते 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 जाता था मैं, और इस तरीके का फ्लो बनाता था सर। ये फ्लो बनाने से फायदा ये होता था कि एग्जाम के पहले इधर उधर के चक्कर में मेरी कोई भी चीज छूटे नहीं और एकदम सीक्वेंस के मैनर में मेरा पढ़ाई होकर के हो जाए। इसका फायदा क्या है सर, जब अगली बार मैंने एक बार ये मैंने फ्लो बना लिया और ऊपर मैंने लिख दिया टाइम फॉर प्रैक्टिस, मान लो मेरे को 4 घंटे लगे, मैं लिखूंगा फर्स्ट रिवीजन में मेरे को कितना टाइम लगा, और फर्स्ट रिवीजन में ये पूरा फ्लो स्टार्ट से एंड तक एकदम बिना ब्रेक के बिना किसी रुके मैं उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे को ये देखना है एग्जाम के पहले मेरे को ये कितना टाइम लगने वाला है, तो मैं शुरू करूंगा और करता जाऊंगा करता जाऊंगा। अब जब मैं करता जा रहा हूं, तुम समझो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, उस जब मैंने 2 सॉल्व किया ना, तो 2 मेरे से एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, उसमें मेरा कोई लर्निंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था, तो सेकंड में मेरा कोई वैल्यू ऐड नहीं था, तो मैं क्या किया, मैं इसको काट दिया। और इस तरीके से मैं अपना फर्स्ट रिवीजन में जो चीजें मेरे से एकदम आसानी से बनती गई, क्योंकि तुम समझो क्या होता है, जैसे जैसे तुम एक बार रिवीजन कर लिए दूसरी बार रिवीजन कर लिए, तुम्हारा बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो जो चीजें पहले वाले दिन तुमको लगता है हाई लॉ क्या कॉन्सेप्ट है, वो तुम आखिरी आखिरी में लगता है चलना हटना बप्पा को मत सिखाओ आगे बढ़ो, तो तुमको क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें शॉर्ट करनी पड़ती है, तो यहीं पर मैं काट देता। और उसके इतना हद हो गया था, तुम समझो ये मेरा पूरा अगर पेज है ना, तो मैंने फ्लो लिखा था यहाँ तक, लास्ट सा हो गया कि इतने सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचे कि मेरे को लास्ट में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ा, और यहाँ पे मैंने अल्टीमेट फ्लो बनाया एग्जाम के पहले का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन 2, 7, 8, 11 जो भी है सॉल्व करो, इतने से जगह में मेरा पूरा सीक्वेंस डिसाइड हो गया सर। ये करके फायदा क्या हुआ, ये करके फायदा ये हुआ कि मेरे पास पूरा ट्रैक रहा कि मैंने 4 घंटे से शुरू किया था और एग्जाम के पहले मेरा रिविजन का टारगेट 1.5 आवर्स है। क्यों हुआ है कैसे हुआ है मेरे को सारी चीजें पता है, और ये एक मेहनत का फ्लो बना था। तो सर इससे क्या होता है, आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके हाथ से जम नहीं रहे हैं वो आपने एक जगह नोट करके रख लिया, एग्जाम के पहले जब ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना आपका काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट एक पहले रिविजन में आपने ऊपर के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था सर जो मैंने फॉलो किया था, जिसको मैं चैप्टर फ्लो कहता हूं, और ये मैंने सिर्फ एसएफएम के लिए नहीं, एफआर के लिए भी हो गया और कॉस्टिंग के लिए भी हो गया, ये सब के लिए मैंने ये चैप्टर का फ्लो बनाया था, और सर फाइनल में नहीं इंटर में भी बनाया था मैंने ये फ्लो। उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट आता है एसएफएम का थियरी पोर्शन, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है सर ये एसएफएम का थियरी पोर्शन, पर आप लोगों को एसएफएम के थियरी पोर्शन का अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अगर अभी भी पढ़ लोगे उसको तो आगे चल के रिवाइज करने में उतनी मेहनत लगेगी, तो उससे अच्छा अभी बाकी सब्जेक्ट कर लो। अब जो लास्ट में महीना होगा आपके एग्जाम के पहले का, मई के पहले अप्रैल हो गया और नवंबर के पहले अक्टूबर हो गया है ना, तो वो 2 महीने में आप क्या करोगे, कोई भी एक दिन या 2 दिन उठाना, उसमें सिर्फ एसएफएम का पूरा थियरी लेके बैठना, जो सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि स्टार्टअप का चैप्टर हो गया, सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर हो गया, ये जो एकदम स्पेसिफिक थियरी चैप्टर्स है ना, इनका पूरा थियरी मगअप कर लेना दोस्त, एज इट इज बाय हार्ट कर लेना, मौका पड़ता है उसको एज इट इज लिखने का, एकदम फुल ऑन फुल स्कोर देके जाता है, बिल्कुल भी उस पोर्शन को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसको अपना स्ट्रेंथ बना के चलना। अगर कल को पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है प्रैक्टिकल वाले में, तो थियरी बचा लेगा आपको, थोड़ा सा तो बचा ही लेगा। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, आईसीआई का 100% सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर कोई ऑथर की बुक आप यूज कर रहे हो जो आईसीआई के पास्ट क्वेश्चंस या आईसीआई के मटेरियल के बाहर जा रहे हैं, तो शुरू शुरू में जब रेगुलर बैच ले रहे हो तब नॉलेज के लिए अच्छा है, पर एग्जाम के एक दिन पहले एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपके आईसीआई के बुक का नहीं है या पास्ट पेपर का नहीं है, आरटीपी एमटीपी का नहीं है। अगर उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप जबरदस्ती की होशियारी कर रहे हो, वो करने का समय आपके पास नहीं है बेटा। उसके बाद सर मैं आपको लास्ट चीज ये बता रहा था कि क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कैसे करना है।
सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह का आपको कंटेंट चाहिए मेरे इस चैनल पे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लाइक करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पर कसम से आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज योर अप्रिशिएशन इज माई ओनली मोटिवेशन। अब सर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 600 का रखेंगे हम। आप एक बार चेक करो हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो आपका काम है उसको बढ़ाना। चलो सर, अब मैं आपको बता दूं शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन। सर देखो, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने बोल रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करने बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन है जो मेरे लास्ट डे क्वेश्चन में जाएगा, तो सर उसके लिए मैंने चार कंडीशन बताए। पहला, अगर वो क्वेश्चन पढ़ के आपका कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है, कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लॉरो है, उसका एक ऐसा क्वेश्चन ले लो जिससे आपको तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस वो एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो और वो लास्ट डे के लिए क्वालिफाई हो जाता है। दूसरा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आप एग्जाम वाले दिन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें रट्टा वाला एलिमेंट भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, आप रट्टा करके गए थे क्या? अरे बाबा, ब्लैक चूल्स फॉर्मूला है, उसका कितना कॉन्सेप्ट समझोगे तुम? तो रट्टा चीज होता है ना, वो शायद आप एग्जाम के पहले अगर नहीं देखोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, उसको देख लेना। ट्रिकी चीज है अगर कोई है, अगर उसमें कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट है, कोई ट्रिक है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट, कोई अगर सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से कोई भी कंडीशन अगर वो क्वेश्चन मीट करता है ना, तो उसको लास्ट डे क्वेश्चन के लिए क्वालिफाई कर दो। अब उसके बाद भी आपने क्वालिफाई कर दिया, अब जब आप लास्ट डे रिविजन कर रहे हो ना, तो लास्ट डे रिविजन में मान लो कोई ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके मन के अंदर से आ गया, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना जिसमें ये वाला ट्रिक है, और वो मन में आ गया और आपने वो ट्रिक लगा के आंसर पूरा सही सही सॉल्व कर दिया, उसको कार्ड देने का मतलब। सर मेरा कुल मिला के पॉइंट ये है, कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम के पहले सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, या अगर एग्जाम के पहले सॉल्व नहीं करोगे तो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उसको लास्ट डे के लिए एलिजिबल करना, बाकी सब हटा देना। इससे क्या होता है, तुम्हारा फोकस एरिया होता है तुमको पता, और तुम्हारा सारा चैप्टर सारा सिलेबस पूरा करके कवर भी हो जाता है, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब इतने में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आगे चल के आने वाले वीडियोस में और सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और भी बहुत सारी बातें जब मैंने आपको ये बता रहा था तो मेरे मन में आ रही थी, पर उसके लिए समय लगेगा जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको इसमें सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन के भरपूर कंटेंट आने वाले इस चैनल में, और आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से कह दूं लाइक जरूर कर देना, क्योंकि योर अप्रिशिएशन इज माई मोटिवेशन। और कमेंट में अपने लिए, जो लोग यहां तक देख रहे हैं कमेंट में, तो अपने लिए एक लाइन जरूर लिख के जाना, दैट आई विल गिव माय 100% टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन एसएफएम। ये लाइन अपने लिए दिल से लिख के जाना, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो एकदम क्लियरली लिखो, आई विल गिव माय 100% टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन एसएफएम इन दिस अटेम्प्ट। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज सी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।